अब मेरे सदनों दोनों पुत्र की विचार करते हैं। लोयनगढ़ नगरी की राजा चंद की रानी मलयागिरी, तो क्या कहें मलयागिरी वही तो नहीं। मलयागिरी वही तो नहीं है। तो मेरे सदनों अब दोनों पुत्र मन में विचार करते हैं, सुन के भाई, तो दोनों पुत्र मन में विचार करते हैं, क्या कहते हैं, सुन देवी, क्या तू हकीकत में राजा चंद की रानी है? बोले एक रति भी झूठ नहीं है। तो रति भी झूठ नहीं है तो हमें एक बात बता दे, क्या कि भाई तेरा पीर कहाँ है, तेरा भाई का नाम क्या है? तेरा भाई का नाम क्या है, तेरा पीर कहाँ है? रानी मलयागिरी रोती रोती कहते मेरा भाई है। कहाँ का है, क्या नाम से है? तो रानी रोती रोती कहती है, रूस गया करता रे, रूस गया करता रे वरानी, रो रो रुदने रूस गया करता रे रानी, रो रो रुदन मचाई है। चंपापुर नगरी का राजा, चंपापुर नगरी का राजा, अरे धर्म पाल मेरा भाई। चंपापुर नगरी का राजा धर्मपाल मेरा भाई है। अब इतनी बात कहते दोनों पुत्र मन में विचार करते हैं, चंपापुर नगरी का राजा धर्मपाल की बहन, हे देवी, तो इस नगरी को गौर से देख, ये चंपापुर नगर तेरा पीर ही तो है। रानी चौत्रपाती की याद करी, कहते भाई सब तो चंपापुर नगरी, मुझे तो याद ही नहीं आया, लेकिन तुम कौन हो? हम कौन है? हम तेरे भाई धर्मपाल के ही पुत्र हैं। रानी मलयागिरी मन में विचार करी, मेरे भाई के पुत्र कहाँ से आए भाई, वो तो संतान ही था, उसके पुत्र कैसे हो गए, कहाँ से आ गए? लेकिन रानी मलयागिरी मन में विचार करती है, भाई भगवान की माया उलटी है, रोने वाले को परमात्मा हंसा देता है और हंसने वाले को परमात्मा रुला देता है, हो सकते हैं पुत्र हो जाए। तो रानी मलयागिरी मन में विचार कर लेती है, अब दोनों पुत्र मन में विचार करते हैं, भाई हमारा पिता की बहन तो हमारी क्या हुई रानी? थोड़ा ज्ञानी महाराज पंडित जी, तेरा बाप की भाण तेरी के लागी, तेरा बाप की भाण तेरी के लागे,
बाप का भाना तो मेरी सौगन तो क्या आस पड़ोस में कोई नहीं गई। सदनों दोनों पुत्र मन में विचार करते हुए हमारा पिता की बहन तो हमारी क्या हुई बुआ जी, तो अपनी ही माँ को बुआ समझ करके चरणों में सिर झुकाते हैं और किस प्रकार मेरे सदनों महल में लाते हैं। राजा धर्मपाल क्रोधित तो होकर के खड़ा उनको आने दे बिनजारा, तू कहेगा वही सजा दूंगा उन दोनों को। तो मेरे सदनों बिनजारा राजी हो रहा। अब दोनों पुत्री अपनी ही माँ को बुआ समझ करके महल में लाते हैं, क्या बात बढ़ता बुआ से मैं जी रोता है, बहन रोती है। राजा धर्मपाल रोता हुआ बोला, बहन मलियागिरी
पति नदी में बह गया जी, और पुत्र रहे गंगा की थी। रानी मलियागिरी सारी बात बता देती है। अब राजा धर्मपाल बिणजारा की तरफ देखा। बिणजारो मेरे सदनों, मन में विचार लगा आखिर दिन आ लियो भाई। तो सदनों राजा के चरणों में बिणजारा गिर गया, भाई साहब मुझे क्षमा करो, नहीं तेरे को सजा मिलेगी, गलती की है। तो रानी के चरणों में बिणजारा पड़ गया, बोला बहन मलियागिरी, राजा की तू बहन है, मैं राजा का धर्म का भाई, तो तू मेरी भी बहन है, मेरी गलती होगी, मुझे क्षमा कर दे। तो अच्छा इंसान वही होता है सगनों जिसके आत्मा में दया होती है। बताते हैं भाई, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया ने छोड़िए जब तक घट में प्राण। तो रानी मलियागिरी के आत्मा में दया आ गई, कहते भाई साहब किसको छोड़ दिया जाए। राजा धर्मपाल कहता है, बिणजारा देख मेरी बहन मलियागिरी की कितनी कोमल आत्मा है, फिर भी तेरे को छुड़वा रही है। राजा धर्मपाल से बहन कहते, मैं जानती हूँ भाई साहब इसने गलती तो की है, धोखा देकर के मुझे लाया है, लेकिन अगर ये धोखा देकर के मेरे को नहीं लाता तो आज मैं तेरे से कैसे मिलती तो, और नहीं तो इसके द्वारा तेरा मेरा मिलाप ही हुआ है, इसको छोड़ दो। राजा कहता है, बिणजारा चला जा मेरी नजर से दूर, कभी जिंदगी में आने की कोशिश मत करना। बिणजारो मन में विचार लगे, जान बचाई लाखों पाई भाग ले भाई। तो बिणजारा दौड़ गया, बहन भाई मिल गए। अब राजा धर्मपाल मन में विचार लगाया, पति नदी में बह गया और पुत्र नदी के तीर पर रह गए, तो क्या कहें पुत्र वही तो नहीं। क्या कहें पुत्र वही तो नहीं है। राजा धर्मपाल कहता है, बहन भाई राजा चंद नदी में बह गया तो वो तो मर लिया होगा, या कौन जाने परमात्मा जाने कहीं जिंदा होगा, लेकिन जो तेरे पुत्र नदी के तीर पे तेरे पुत्रों का पालना रह गया था, आज वो पुत्र किसी के पास में होंगे तो जवान हो गए होंगे, तो आज वो पुत्र तेरे सामने आ जाए तो क्या तुमको पहचान सकती है। रानी कहती है, ऐसे तो मैं नहीं पहचान सकती भाई साहब, लेकिन मेरे पुत्रों के सेनानी है। क्या भाई, उनका नाम तो शायर और नीर, लेकिन सेनानी यह है, मेरा बड़ा पुत्र शायर उसके मुंह में तालवे तिल है। कितनी छुपी हुई सेनानी बताती है माँ। और मेरा छोटा पुत्र नील नाम का, उसके एक पैर में पद्म है। राजा धर्मपाल अपने दोनों पुत्रों को एकांत में ले गया और मेरे सरों दोनों के सेनानी देखी। अब मेरे सरों तो शायर नीर ही तो थे, रानी मलियागिरी जो सेनानी बताई वो दोनों के सेनानी मिल गई। अब राजा धर्मपाल रोया, हे भगवान ये तो मेरी बहन के ही पुत्र है। राजा को रोता देख करके दोनों पुत्र कहते, पिताजी क्या बात है, क्यों रो रहे हो, आपकी बहन आपसे मिली है, आज तो खुशी का दिन है। राजा धर्मपाल कहता है, पुत्रो मेरी रानी किनकावती और मैं, हम तुम्हारे माता पिता नहीं है क्या। हाँ मेरी रानी किनकावती तुम्हारी मामी है, मैं तुम्हारा मामा, और मेरी बहन मलियागिरी को तुम बुआ समझ करके महल में लाए हो ना, ये मेरी बहन मलियागिरी ही तुम्हारी माँ है। अब दोनों पुत्र अपनी माँ की तरफ देखते हैं, हमारी माँ और ये। तब पुत्रों के आत्मा विश्वास कुछ कम हुआ, जो दौड़ करके माँ की छाती से नहीं लगे। रानी मलियागिरी रो रही, पुत्रों में तुम्हारी मां है, विश्वास नहीं हो रहा। उस समय भगवान को दया आ गई, भगवान विष्णु को भी दया आ जाती है, कितने वर्षों बाद मां से पुत्र मिले हैं,
और पुत्र की आत्मा विश्वास नहीं हो रहा, माँ की आत्मा रो रही है, तो भगवान कैसी माया फैलाते हैं? अपने आप रानी मलयागिरी के स्तनों में से दूध की धारा निकलती है, अपने आप रानी मलयागिरी के स्तनों में से दूध की धारा निकलती है, हर दोनों के मुंह में लगती है। अब मेरे सदनों, अपने आप दूध की धार निकल करके दोनों के मुंह में गई, उस समय दोनों पुत्र मन में विचार करते हैं, हकीकत में यही हमारी माँ। हम दौड़ते हैं और माँ की छाती से लग जाते हैं, तो माँ के गले पुत्र लगे, उस समय माँ रो रही, पुत्र रो रहे, और तो और देवताओं की आंखों में आंसू आ गए। ऐसे करके तीनों प्राणी मिल गए, तो राजा चंद को मिला देते हैं, हैं? मिला जा जल्दी, मिला जा कि कई आदमी कह दो के बोले जी जल्दी करो, कत्ती की जल्दी करो, शॉर्ट रूट में बिल्कुल जल्दी कर दो। तो सबसे जल्दी की बात तो यही है, गाबड़ो हाथ जोड़ जाके बात होगी पूरी, अब बता दूसरी इस तो जल्दी भी क्यों है।